मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा किया जो वो आमतौर पर नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूत रही, इस पार्टी से क्या भाजपा ने कोई सियासी दांव सीखा है? क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने का यह राजनीतिक दांव भाजपा को इन दोनों ही राज्यों में सफलता दिला पाएगा? क्या कांग्रेस अब भाजपा के जवाब में जल्द ही अपनी किसी लिस्ट को जारी करने वाली है? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको हमारी इस रिपोर्ट में। तो चलिए इस रिपोर्ट में एक एक करके शुरू करते हैं भाजपा के इस राजनीतिक दांव से जुड़ी हर एक पहलू के बारे में खास बात, उसका खास विश्लेषण। कांग्रेस और भाजपा, ये दो राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो अमूमन अक्सर एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, अगर कुछ एक सीटों को छोड़ दिया जाए तो। दरअसल सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की होने लगी कि सबसे पहले कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से भी पहले अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी, लेकिन बाजी तो भाजपा ने मार ली। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट बंटवारे में फ्रंट फुट पर की गई इस बैटिंग के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी बैठकें शुरू कर दी है। अब माना जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की भी पहली सूची जारी कर सकती है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि भले ही उनके प्रत्याशी बाद में घोषित हों, लेकिन वो भाजपा की इस लिस्ट में जिन प्रत्याशियों के नाम हैं उनसे ज्यादा मजबूत और जिताऊ होने वाले हैं। अब एक अंदाजा इस बात का भी लगा लेते हैं कि कांग्रेस की रणनीति क्या होने वाली है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा भी जल्द हो जाएगी। मध्य प्रदेश के चुनाव में रणनीतिक तौर पर कमान संभालने वाले नेताओं में शामिल एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरे मध्य प्रदेश को लेकर नहीं है, कुछ सीटों पर उनकी तैयारियां थी और वहां उनको उम्मीदवार मिल गए या उन्होंने फाइनल कर लिए। इस तरीके की तैयारी कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन अगर पूरे राज्य की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची भाजपा को करनी पड़ रही है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का दावा है। जबकि कांग्रेस में समूचे मध्य प्रदेश को लेकर एक तैयारी है, वहां पूरे के पूरे राज्य में जो प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया है, कांग्रेस का दावा है कि वो पूरी होने वाली है। वो नेता ये भी कहते हैं कि कांग्रेस में किसी तरीके की भगदड़ और प्रत्याशियों के ना घोषित करने की हड़बड़ी के साथ किसी भी तरीके का सियासी समीकरण गड़बड़ होने वाला नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी चयन प्रक्रिया के माध्यम से जिताऊ प्रत्याशियों की अपनी एक सूची को जल्द ही जारी करने वाली है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों का ये कहना है कि पार्टी मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में भी अपने प्रत्याशियों की सूची को जल्द जारी करेगी। पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में पार्टी ने हर एक विधानसभा से जो पैनल मंगवाया था उनमें से ज्यादातर की शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है। इन राज्यों में कुछ महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों पर अभी आलाकमान के साथ टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है और उसके बाद प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समेत पार्टी के संगठन स्तर पर जो जो नेता जिनकी जिम्मेदारी होती है उनसे अनुमति ली जाएगी और लिस्ट जारी कर दी जाएगी। पार्टी से जुड़े सूत्रों का ये भी कहना है क्योंकि कांग्रेस की राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार है, इसलिए टिकट चयन में हर तरीके के सियासी समीकरण को देखते हुए ही प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। हालांकि सूत्रों का दावा है कि दोनों राज्यों में कुछ वर्तमान विधायकों समेत कुछ एक मंत्रियों की भी छुट्टी हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा पहली बार किया कि चुनाव की तारीख से तकरीबन 3 महीने पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजीव दुबे कहते हैं कि 3 महीने पहले प्रत्याशी घोषित करने की आधिकारिक घोषणा भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां पहले नहीं करती थीं। उनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी जरूर अपने प्रत्याशियों की आधिकारिक और अनाधिकारिक तौर पर घोषणा किसी भी चुनाव से करीब करीब साल भर या 10 महीने पहले कर देती थी, ताकि बसपा के वोटर और उनके कैडर को अपने प्रत्याशियों के बारे में समय रहते पता चल सके और उनका जनाधार बढ़ता रहे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करके देश की सियासत में एक नए तरीके के चलन की शुरुआत कर दी है। सियासी जानकारों का मानना है कि अब आने वाले चुनाव में एक ट्रेंड इस तरीके का भी देखने को मिल सकता है कि जिन सीटों पर सत्ता में मौजूद दल चुनाव हार चुका है वहां पर प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही कर दी जाए। ऐसा करके सिर्फ प्रत्याशी ही नहीं बल्कि पार्टी को मजबूती मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
कई राजनीतिक जानकार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अमूमन चुनाव के नामांकन से एक दिन पहले तक प्रत्याशी घोषित करती हो, उसने चुनाव से 3 महीने पहले ही प्रत्याशियों की सूची को जारी करके एक बड़ा सियासी दांव खेला है। राजनीतिक विश्लेषक अखिलेंद्र प्रताप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने पहले प्रत्याशियों की घोषणा करके बताने के लिए संदेश दिया है कि चुनाव में स्थानीय स्तर पर होने वाली किसी भी गुटबाजी की कोई जगह नहीं है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर राज्य स्तर पर होने वाली आपसी खींचतान को भी ऐसा करके बहुत हद तक संतुलित किया गया है, ताकि अगर देखा जाए अभी जो लिस्ट सामने आई है उसमें अगर कोई गुट हैं, अगर उसमें कोई अलग अलग नेताओं के समर्थक हैं, तो उनके लिए संदेश साफ है कि पार्टी ने अपना मन बना लिया, अब यही उम्मीदवार होंगे और जो भी अंतर है उनको भुला देना चाहिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।